नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको टच कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि डिश टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स है उस सेट टॉप बॉक्स में आप सिग्नल कैसे चेक कर सकते हैं। डिश टीवी का जो नेक्स्ट HD सेट टॉप बॉक्स है जो आप पहले लिए थे उसमें जो सॉफ्टवेयर था वो सॉफ्टवेयर अब जो है अपग्रेड हो चुका है ऑटोमेटिकली, और आप नया सेट टॉप बॉक्स लिए हैं तो उसमें भी ये नया वाला जो सॉफ्टवेयर है वही है। और अगर आपके सेट टॉप बॉक्स अभी तक सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हुआ तो पिछले जो सॉफ्टवेयर था उस सॉफ्टवेयर में कैसे सिग्नल चेक किया जाता है उसका वीडियो भी हमने बना के रखे है, वो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर में कुछ जो है चेंजेस हो चुके हैं। सॉफ्टवेयर चेंज होने के बाद, अपग्रेड होने के बाद बॉक्स जो है बहुत फास्ट हो गया और उसकी जो मेनू है मेनू में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जैसे पहले आपके चैनल लिस्ट था, चैनल लिस्ट के साइड में लोगो दिखाई देते थे चैनल की, लेकिन अभी जो है उसमें लोगो नहीं दिखाई देता है, एकदम लिस्ट आ जाते हैं। और उसी तरह जो है ट्रांसपोंडर भी पहले जैसे चेक करते थे अब जो है थोड़ा अलग हो गया। तो ये देखिए मेनू जो है इस तरह से आते हैं अभी चैनल लिस्ट का मेनू, और हम आपको दिखाते हैं कि ट्रांसपोंडर जो है वो ट्रांसपोंडर कैसे चेक किया जाते हैं। क्योंकि पहले वाला जो सॉफ्टवेयर था उसमें हम लोग अलग तरीके से चेक करते थे और इसमें जो है अलग तरीके से चेक करेंगे। सिग्नल देखना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी हम लोगों का जो चैनल है डिश टीवी में वो फ्रीजिंग होता है, इसलिए हम लोगों को सिग्नल जो है चेक कर लेना ज़रूरी होता है, कि हम लोगों को चेक करके देखना पड़ता है किस में कितना सिग्नल है। तो सबसे पहले आपके जो रिमोट है, ये रिमोट में आप मेनू बटन को प्रेस कीजिए। मेनू बटन प्रेस करने के बाद अपने सामने इस तरह से आ जाएगा और एकदम साइड में देखिए माय डिश टीवी लिखा है, यह आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद एक और पेज यहाँ खुल जाएगा इस तरह से, और एकदम नीचे आ जाइए रिमोट को स्क्रॉल डाउन करके, ये देखिए HDTV इन्फो सीट, यहाँ आपको जो है ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह से पेज आएगा और HDTV इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आपको ओके करना है। अब आपको जो है रिमोट में जो येलो कलर की बटन है उस बटन को एक बार प्रेस करना है। तो एक बार प्रेस करेंगे तो जितने भी ट्रांसपोंडर है वो ट्रांसपोंडर सीट इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, और ट्रांसपोंडर जो है वो धीरे धीरे सिग्नल आना शुरू हो जाएगा, और आपको यहाँ जो रेड कलर है वो ग्रीन कलर हो जाएगा और साइड में सिग्नल की क्वालिटी और सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो दिखाई देगा। जिस ट्रांसपोंडर में सिग्नल नहीं होगा वो ब्लिंकिंग करेगा, और जिसमें एकदम सिग्नल कम रहेगा बहुत वो ट्रांसपोंडर भी ब्लिंकिंग करेगा, और साइड में जो है जो ग्रीन कलर हो रहा है वो रेड ही रहेगा, वो रेड कलर रहेगा। तो आपको समझ लेना है उसमें जो है सिग्नल कम है, और उस ट्रांसपोंडर में जितने भी चैनल है वो सारे चैनल जो है फ्रीजिंग होगा, ठीक तरह से नहीं चलेगा चैनल। आप जब भी चलाएंगे टीवी के ऊपर एक स्क्रीन पर आपको मैसेज देगा नो सिग्नल का। तो आप जो है इस तरह से आपके डिश टीवी का जो सिग्नल है वो सिग्नल चेक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं सारे ट्रांसपोंडर में सिग्नल सही है कि नहीं। तो आप यहां देख लीजिए ज़्यादातर जो सिग्नल है वो 95%, 91%, 88% ऐसा है, लेकिन एक ट्रांसपोंडर जो है ब्लिंकिंग हो रहा है, इसमें थोड़ा सा जो है सिग्नल कम है, इसलिए यह जो है ब्लिंकिंग हो रहा है, इसमें कभी कभी जो है चैनल फ्रीजिंग हो सकता है। तो इस तरह से आप भी आपके सेट टॉप बॉक्स में जो है ट्रांसपोंडर का आप सिग्नल चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं आपके सेट टॉप बॉक्स में सभी ट्रांसपोंडर में सिग्नल सही है कि नहीं। तो आप भी चेक कीजिए इस तरह से। तो ये था छोटा सा अपडेट, और इसी तरह से और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ इसी चैनल में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो, बने रहिए मेरे चैनल के साथ।